नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायबरेली से खबर है जहां युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की है। सीसीटीवी में अब कैद हुई है पिटाई की यह तस्वीर, जहां नाली के विवाद को लेकर बताया जा रहा है झगड़ा। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा मंडी की एक घटना है। दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की है। रायबरेली की तस्वीरें जहां सामने आई है, युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद यह झगड़ा हुआ। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा मंडी की एक घटना है। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई और अब ये तस्वीरें देखिए किस तरह से दबंग युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। सीसीटीवी ये तस्वीरें सीसीटीवी से सामने आई हैं, जहां नाली के विवाद को लेकर, महज मामूली सी बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि कुछ दबंगों ने बुरी तरह से एक युवक को पीटा है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा मंडी की ये तस्वीरें, एक व्यक्ति को गिराकर कुछ लोग उसे बुरी तरह से घेर कर पीट रहे हैं। रायबरेली में ये मारपीट की घटना हुई है, लाठी डंडों से इस युवक को पीटा गया। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, घोसी से सांसद अतुल राय को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। रेप केस में अदालत ने अतुल राय को बरी कर दिया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में पीड़ित ने आत्महत्या की थी। फिलहाल नैनी जेल में बंद है सांसद अतुल राय और रेप केस में अदालत ने अतुल राय को बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामले में पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी और अब इस केस में बरी हो गए हैं सांसद अतुल राय। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि रेप के आरोप लगे थे सांसद अतुल राय पर और इसके बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। 2.5 साल से जेल में बंद है। रेप केस में सांसद अतुल राय अब बड़ी राहत पा चुके हैं। बहस नहीं थी बल्कि आज मामले में जो है फैसला आना था, जिसमें आज 10:30 बजे इसका मुकदमे का फैसला हुआ। प्रिया राय पीड़िता के द्वारा सांसद घोसी अतुल राय के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मामले में आज गुणदोष के आधार पर न्यायालय ने फैसला दिया है। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। एक और भाजपा ने खंडन कर कह दिया है कि श्रीकांत त्यागी कोई भाजपा का नेता नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ फेस टू पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी कर उसकी 3 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। इस मामले में 4 लोग भी पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 की ओमेक्स सोसाइटी में महिला से पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसका ये वीडियो सामने आया, जिसमें अभद्रता करते हुए ये शख्स श्रीकांत त्यागी, जो कि भाजपा का नेता बताया जा रहा है, ये दिख रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद इस पर भाजपा की ओर से सफाई आई, जिसमें कहा गया कि ये शख्स भाजपा का नेता नहीं है। और अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। आप देखिए, सोसाइटी से ये 3 गाड़ियां लेकर निकली। पुलिस इसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। फरार है ये श्रीकांत त्यागी। और इस मामले पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि ये कोई भाजपा का नेता नहीं है। देखिए ये ट्वीट लिखा गया है, श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नहीं है। किसान मोर्चा की कोई युवा समिति भी नहीं है। सरकार इसके विरुद्ध उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, जिसने महिला से अभद्रता की है। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। भाजपा की तरफ से ये खारिज कर दिया गया है कि श्रीकांत त्यागी किसान कार्य समिति का मेंबर नहीं है।
हालांकि इस मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर चुकी है और जैसा बताया कि पुलिस 3 गाड़ियां श्रीकांत त्यागी की जब्त कर चुकी है, 4 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन अब ये श्रीकांत त्यागी फरार है। उधर नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी हिरासत में लिया गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, ये अहम खबर। नोएडा का ये गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी अब हिरासत में आ चुका है। इससे पहले 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया था और अब ये बड़ी खबर, नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है, जहां इसका वीडियो सामने आया था जिसमें महिला के साथ बदसलूकी की जा रही थी, अपशब्द कहे जा रहे थे और जैसे ही इस मामले में शिकायत पुलिस तक पहुंची, तुरंत पुलिस हरकत में आई। आज श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को जब्त किया गया सोसाइटी से, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और अब ये गालीबाज श्रीकांत त्यागी हिरासत में लिया जा चुका है। नोएडा का ये गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पुलिस की हिरासत में आ चुका है। बता दें कि जिस महिला के साथ अभद्रता की गई थी, गाली गलौज की गई थी, उस महिला ने शिकायत कराई। सोसाइटी के महिलाओं का कहना है कि यहां पेड़ लगाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी और उसी का विरोध उन्होंने किया, जिसका फलस्वरूप ये वीडियो थी जिसमें ये गालीबाज नेता किस तरह से बदसलूकी महिलाओं के साथ कर रहा था। वहां एक महिला खड़ी है, उसे अपशब्द कहे गए, उसके परिवार के लिए, उसके पति के लिए अपशब्द कहे गए और इस मामले में जब ये वीडियो वायरल हुआ, सामने आया, एबीपी गंगा ने इसे दिखाया, तब पुलिस ने भी संज्ञान इस मामले में शिकायत पर लिया है और अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है श्रीकांत त्यागी को। नोएडा से बड़ी खबर, नोएडा की एक सोसाइटी का ये वीडियो है जिसमें ये बीजेपी का नेता बताया गया था। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि ये बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति का सदस्य नहीं है। इस पर FIR हुई और इसके बाद से ही ये श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा था और अब ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, श्रीकांत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई थी, तभी से श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई अपनी जारी रखी, पुलिस ने इसकी 3 गाड़ियों को जब्त किया और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है। अब इसे पूछताछ की जाएगी, महिला के साथ बदसलूकी, अभद्रता, गाली गलौज का ये पूरा मामला है। सोसाइटी में पेड़ लगाने को लेकर ये मामला हुआ था, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था जिसमें महिला का ये कहना है जिसके साथ बदसलूकी हुई कि यहाँ पेड़ लगाकर ये व्यक्ति अतिक्रमण करने की, इस जमीन को घेरने की कोशिश कर रहा था। जब इसका विरोध किया गया तो इसका बर्ताव बदसलूकी भरा था, इसने गाली गलौज की, इसने अपशब्द कहे, परिवार के लोगों के लिए, महिला के पति के लिए अपशब्द कहे, देख लेने की धमकी दी और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब गालीबाज श्रीकांत त्यागी को हिरासत में ले लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से आगरा में भाजपा युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे और आज शाम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नौजवान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी इस प्रशिक्षण शिविर में जाने का कार्यक्रम है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन सत्र को संबोधित करेंगे, साथ ही भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में ये बड़े नेता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के सामने जहां आगे के कार्यक्रमों का खाका खींचेंगे और मिशन 2024 को सफल बनाने का मूल मंत्र भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है। तो आगरा में आज से भाजयुमो का ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसकी शुरुआत करेंगे और शाम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के साथ ही बीजेपी की नजरें अब मिशन 2024 पर हैं और इस मिशन को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नौजवान कार्यकर्ताओं की रहने वाली है और यही वजह है कि युवा मोर्चा का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आगरा में हो रहा है। जहां ये कार्यक्रम हो रहा है वहां किस तरीके से होर्डिंग बैनर से पूरी तरह से इलाके को पाट दिया गया है, ये तस्वीरें बयां हो रही हैं। तो कुल मिला के ये SNJ गोल्ड रिसोर्ट है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है जिसका उद्घाटन आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक का भी आज एक सेशन है करीब एक घंटे, वो भी नौजवान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तीन दिन तक तमाम कहा जाए सेशंस को बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडरान हैं वो एड्रेस करेंगे, और इस कार्यक्रम का जो समापन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में कहीं ना कहीं एक मैसेज देंगे, उनका भी एक कहा जाए कि एड्रेस है उनका भी, वो भी एक सत्र को संबोधित करने यहाँ आएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए नौजवान कार्यकर्ताओं को किस तरह से प्रशिक्षित करना और उन कार्यकर्ताओं के जरिए जो देश के नौजवान हैं उनमें किस तरह से पार्टी की रीति नीतियों को पहुँचाना, सरकार की रीति नीतियों को पहुँचाना, और साथ ही 2024 पर फोकस रहकर किस तरह से तैयारी करनी है, इस प्रशिक्षण वर्ग का ये उद्देश्य बीजेपी की तरफ से है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां हस्तिनापुर भिकुन पुल के पास 10 मीटर अप्रोच रोड और बह गई है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से अब अप्रोच रोड बह गई है। अप्रोच रोड के बहने से जहां दिक्कत बढ़ेगी, इसे रोकने के लिए अब जेसीबी को हटाया गया है। अब तक 110 मीटर अप्रोच रोड बहा ले गया है गंगा का ये बढ़ा हुआ जल स्तर। तस्वीर देखिए मेरठ के हस्तिनापुर में पुल की अप्रोच रोड 10 मीटर तक और बह गई है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से ये नुकसान हुआ है। सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। सनुज बताएं कि इससे और किस तरह से समस्या बढ़ेगी। देखिए समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, चूंकि जो अप्रोच रोड है उसको जैसे जैसे गंगा का जो तेज वेग है वो बहा कर ले जाएगा तो उसको दुरुस्त करने में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आएंगी। आप ये देखिए कि जिस दिन हमने सबसे पहले दिखाया था कि को जब ये पुल की जो अप्रोच रोड थोड़ी सी धसी थी, अगर तभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जाग जाते तो शायद ये 110 मीटर का जो हिस्सा गंगा बहा कर ले गई ये नहीं बहता। आज यहाँ पर थोड़ा सा हालातों को काबू में करने के लिए जेसीबी बुलाई गई थी, लेकिन वो देखिए चूंकि लगातार जो मिट्टी का कटान है वो होता जा रहा है, अप्रोच रोड का लगातार कटान होता जा रहा है, और इसकी वजह से जो वहाँ पर देखिए जेसीबी है उस जेसीबी को पीछे हटा दिया गया है, पीछे रोक दिया गया है। लगातार ये जो मिट्टी की ढांग है ये लगातार पानी के तेज वेग की वजह से नीचे बैठ रही है, और गंगा का जो तेज वेग है इसको लगातार यहाँ से बहा कर ले जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते रहे, जब ये अप्रोच रोड यहाँ पर धसी थी तभी उनको गंभीरता दिखानी चाहिए थी और इसको दुरुस्त करने के लिए पानी के वेग को रोकने के लिए उनको इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए गए। और ये तस्वीर आप देखें कि गंगा का जल स्तर जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है उतनी ही ज्यादा दिक्कतें यहाँ मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में आती जा रही हैं। मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र ये तो दिखा दिया, जरा गंगा का तेज वेग दिखा दीजिए। ये देखिए जल स्तर बढ़ने के बाद मेरठ के हस्तिनापुर गंगा की तस्वीरें देख लीजिए, कितना बड़ा जो फाट है और कितना बड़ा ये गंगा का वेग और गंगा का बहाव आपको नजर आ रहा है। चूंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है और मैदानी इलाकों में भी जो बारिश हो रही है और उसके बाद लगातार जो पानी का स्तर है, जल का स्तर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो तमाम दिक्कतें हैं वो यहाँ पर सामने आती जा रही हैं। दूसरी ये तस्वीर देखिए कि मेरठ का वो हस्तिनापुर का भिकुन पुल है, ये देखिए कितना बेहतरीन पुल बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी की वजह है और सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ कि उससे पहले ही इसकी अप्रोच रोड यहाँ पर बैठ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से भैसुमा और ये जो रास्ता है यहाँ से सीधे होते हुए भैसुमा और भिकुंड होते हुए आप यहाँ से सीधे चांदपुर चले जाते हैं, लेकिन भैसुमा और जसपुर स्टेट हाईवे का जो आवागमन है पिछले 8 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। चूंकि यहाँ जैसे ही अप्रोच रोड धसी थी तो एहतियात के तौर पर इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। इस रास्ते से होते हुए लोग यहाँ से चांदपुर, जसपुर होते हुए काशीपुर और नैनीताल तक चले जाते हैं, लेकिन अगर अब आपको चांदपुर जाना है तो हस्तिनापुर से पहले आपको बिजनौर जाना पड़ेगा और बिजनौर के बाद आपको चांदपुर, यानी 70 से 80 किलोमीटर का जो रास्ता है वो और बढ़ गया है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। ये देखिए पीडब्ल्यूडी के कुछ अफसर हैं और कुछ ठेकेदार हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं, वो यहां पर देखने आए हैं। चूंकि आज यहां पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जेसीबी बुलाई थी, कुछ और जेसीबी भी आनी थी, और ये कोशिश की जा रही थी कि जैसे तैसे हो इसके गंगा के इस कटान को रोका जा सके, लेकिन उस कटान को रोकने में नाकामी हाथ आ रही है। आप खुद सोचिए, देखिए
पानी का वेग देख लीजिए, इस पानी के वेग के आगे आखिर कौन रोक पाएगा, इसको कौन टोक पाएगा, ये होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी के सहारे यहाँ इस हस्तिनापुर भीकुंड पुल का जो ये अप्रोच रोड धसी हुई है, इस अप्रोच रोड को दुरुस्त करने के लिए जल्द से जल्द दावा किया जा रहा है। लेकिन ये देख लीजिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की टीम वहां पर है और एहतियात के तौर पर जो जेसीबी आ गई थी उसको पीछे हटा दिया गया है, क्योंकि लगातार ये जो ढांग है ये अप्रोच रोड है लगातार बहती जा रही है, लगातार यहां पर धसती जा रही है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की नाकामी का ही ये नतीजा है, क्योंकि यहां पर देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सत्येंद्र जरा दिखाएं, देखिए आपको पत्थर यहां पर नजर आ रहे होंगे और इसके पीछे के पत्थर भी आपको नजर आ रहे होंगे, इनको गाइड बंद बोला जाता है। यानी जब भी बरसात के मौसम में जब पानी बहुत वेग से आता है तो इस गाइड बंद से टकराता हुआ पुल के नीचे से होकर निकल जाता है और इस गाइड बंद को दुरुस्त करने के लिए यहां पर टंचिंग एप्रन लगाए जाते हैं, पत्थर और उसके ऊपर लोहे का जाल लगा दिया जाता है ताकि पानी टकराकर वापस लौट जाए, कभी किसी रोड को नुकसान ना हो, किसी अप्रोच रोड को नुकसान ना हो। लेकिन दो साल से जो फाइल है वो लखनऊ में धूल फाँकती रही और उसका ये नतीजा हुआ कि उद्घाटन होने से पहले ही शायद मुझे लगता है ये देश का ऐसा पहला पुल कि मेरठ के हस्तिनापुर भीकुंड पुल का उद्घाटन होने से पहले ही उसकी अप्रोच रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई थी और उसका यह नतीजा है कि देखिए अप्रोच रोड है। कल तक ये 100 मीटर का दायरा बताया जा रहा था लेकिन रात रात में ही 10 मीटर की जो अप्रोच रोड है वो और जो गंगा का पानी है वो यहाँ से बहाकर ले गया है। आप ये देखिए कि इस अप्रोच रोड की एक दरार और आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बड़ा पत्थर है वो यहाँ नीचे गिर गया और उसके बराबर में आप दरार देख सकते हैं। यानी जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ेगा उसके साथ ही ये अप्रोच रोड और कटती चली जाएगी और धसती चली जाएगी, स्थिति और गंभीर होती नजर आ जाएगी। यानी अभी इस रास्ते से चांदपुर जाना किसी मुश्किल से कम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 15-20 दिन या एक महीने के अंतर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो इस रोड को दुरुस्त कर सके और इस रोड को दुरुस्त करने के बाद यहाँ से जो आवागमन है उसको सुचारू यहाँ से किया जा सके। एबीपी गंगा पर एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि इस अप्रोच रोड की स्थिति आप लगातार देख लीजिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यहाँ पर जो रोड़ी और डस्ट का जो एक मसाला बनाया था कि यहाँ पर जो टंचिंग एप्रन बनाने से पहले जो गाइड बंद बनाया जाएगा वो भी आप देखिए कि यहाँ चूंकि एकदम अचानक से गंगा के वेग से ये यहाँ पर धसी और धसने के बाद आधी यहाँ पर गिर गई है। 10 मीटर का टुकड़ा रात रात के भीतर यहाँ पर गंगा का जो जल स्तर है वो बहाकर ले गया है और अब जल स्तर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए कि एक तस्वीर है कि अब खेत खलियानों में भी पानी आने लगा है। यानी अभी ऊपरी इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है तो इस बारिश के बाद लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ेगा और जब ये और 20-30 हज़ार क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि जो ये टुकड़ा दिख रहा है 20-30 मीटर का टुकड़ा भी उसकी जद में आ जाएगा और यहाँ से निकलना फिलहाल आसान नहीं बल्कि मुश्किल होगा। देखना ये होगा कि जो अधिकारी एक से बढ़कर एक बड़े दावे कर रहे थे आखिर इन दावों को कब अमली जामा पहनाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आपने दिखाई और सनुज विस्तार से इसके क्या नुकसान हो रहे हैं और लापरवाही किस तरह से बड़ी खामियाजा लोगों के लिए भुगतना इसका पड़ सकता है ये आपने बताया, उसके लिए शुक्रिया सनुज पूरी जानकारी देने के लिए। थोड़ी ही देर में दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय ये दिल्ली दौरा सीएम योगी का रहने वाला है। आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे आज। और इसके बाद आज की बैठक के बाद कल 7 अगस्त को नीति आयोग की भी बैठक है जिसमें सीएम को शिरकत करना है। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो वहीं हर घर तिरंगा यात्रा पर भाजपा और सपा में जुबानी जंग भी छिड़ गई है। अखिलेश यादव तिरंगे को दंगे से जोड़ने वाले बयान उन्होंने दिया था और अब इसी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। एक तरफ देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है, जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकालने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी एक हर घर तिरंगा अभियान की बात कही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, एक तरफ इतने जोर शोर से जश्न के साथ इस उत्सव को मनाने की तैयारी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना, वो कहते हैं सावधान रहे भाजपा से और तिरंगा यात्रा की आड़ में दंगा ना हो जाए। देखिए श्री अखिलेश यादव जी इस समय विचलित हैं, बेचैन। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है,
जब पूरा देश उत्सव के वातावरण में हो, उस समय तिरंगे का नाम लेकर के दंगे का नाम जोड़ना, ये महापाप है। और उनको अपना कार्यकाल याद आता है कि उनके कार्यकाल में हर दिन दंगे होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, दूसरे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और दंगाइयों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि गलती से भी उत्तर प्रदेश में दंगा के बारे में ना सोचें। सपा के पास, मैं जानता हूँ उनके पास अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं, उनके पास इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है। लेकिन अगर वो 5 साल में जान गए हैं कि ऐसा अगर गड़बड़ करेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।